भगवती ग्रह को स्नान और शयन कराने की विधि। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण आचार्य ईशान कोण में एक होम कुंड तैयार करें और उसमें वैष्णव अग्नि की स्थापना करें। तदनंतर गायत्री मंत्र से 108 आहुतियां देकर संपात विधि से कलशों का प्रोक्षण करें। तदनंतर मूर्तिपालक विद्वानों तथा शिल्पियों सहित यजमान बाजे गाजे के साथ कारुशाला कारीगर की कर्मशाला में जाएं। वहां प्रतिमावर्ती इष्ट देवता के दाहिने हाथ में कौतुक सूत्र कंकण आदि बांधे। उसे बांधते समय विष्णवे शिपि विष्टाय नमः इस मंत्र का पाठ करें। उस समय आचार्य के हाथ में भी ऊनी सूत सरसों और रेशमी वस्त्र से कौतुक बांध देना चाहिए। मंडल में सवस्त्र प्रतिमा की स्थापना और पूजा करके उसकी स्तुति करते हुए कहें, विश्वकर्मा की बनाई हुई देवेश्वरी प्रतिमा तुम्हें नमस्कार है। संपूर्ण जगत को प्रभावित करने वाली जगदम्बा तुम्हें मेरा बारंबार प्रणाम है। ईश्वरी मैं तुम्हें निरामय नारायण देव का पूजन करता हूँ, अतः शिल्प संबंधी दोषों से रहित हो, अतः मेरे लिए सदा समृद्धशालिनी बनी रहो। इस तरह प्रार्थना करके प्रतिमा को स्नान मंडप में ले जाए, शिल्पी को यथेष्ट द्रव्य देकर संतुष्ट करें, गुरु को गोदान दें, चित्रम देवाना इत्यादि मंत्र से प्रतिमा का नेत्रोन्मीलन करें, अग्निज्योति इत्यादि मंत्र से दृष्टि संचार करें, फिर भद्रपीठ पर प्रतिमा को स्थापित करें। तत्पश्चात आचार्य श्वेत पुष्प घी सरसों दुर्वादल तथा कुशाग्र इष्ट देव के सिर पर चढ़ावें। इसके बाद मधुवाता इत्यादि मंत्र से गुरु प्रतिमा के नेत्रों में अंजन करें। उस समय हिरण्यगर्भ इत्यादि तथा इमामे वरुण इत्यादि मंत्रों का कीर्तन करें। तत्पश्चात पुनः धृतवती ऋचा का पाठ करते हुए धृत का अभ्यंग लगावें। इसके बाद मसूर के बेसन से उपटन का काम लेकर अतो देवाह इत्यादि मंत्र का कीर्तन करें। फिर सप्त से अग्नि इत्यादि मंत्र बोलकर गुरु गर्म जल से प्रतिमा का प्रक्षालन करें। तदनंतर दुप्रदादीव इत्यादि मंत्र से अनुलेपन और अपोहिष्टा इत्यादि से अभिषेक करें। अभिषेक के पश्चात नदी एवं तीर्थ के जल से स्नान कराकर पावमानी ऋचा का पाठ करते हुए रत्न स्पर्श से युक्त जल द्वारा स्नान करावे। समुद्रम गच्छ स्वाहा इत्यादि मंत्र पढ़कर तीर्थ की मृतिका और कलश के जल से स्नान करावे। शनो देवी इत्यादि द्वारा तथा गायत्री मंत्र से गर्म जल के द्वारा इष्ट देव की प्रतिमा को नहलावे। हिरण्यगर्भ इत्यादि मंत्र से 5 प्रकार की मृतिकाओं द्वारा परमेश्वर को स्नान करावे। इसके बाद इमम में गंगे यमुने इत्यादि मंत्र से बालू का मिश्रित जल के द्वारा तथा तद विष्णु इत्यादि मंत्र से बांबी की मिट्टी मिले हुए जल से पूर्ण घटक के द्वारा भगवान को स्नान करावे। या औषधि इत्यादि मंत्र से औषधि मिश्रित जल के द्वारा यज्ञा इत्यादि मंत्र से आंवले आदि कैसेले पदार्थों से मिश्रित जल के द्वारा पयम पृथ्व्यायम इत्यादि मंत्र से पंचगव्यों द्वारा तथा या फलिनी इत्यादि मंत्र से फल मिश्रित जल के द्वारा भगवान को नहलावे। विक्षत चक्षु इत्यादि मंत्र से उत्तरवर्ती कलश द्वारा सोमम राजानम इत्यादि मंत्र से पूर्ववर्ती कलश द्वारा विष्णु रराटमसि इत्यादि मंत्र से दक्षिणवर्ती कलश द्वारा तथा हम सह शुचिप्षद इत्यादि मंत्र से पश्चिमवर्ती कलश द्वारा भगवान को उद्धर्तन स्नान करावे। मुद्धारम दिवो इत्यादि मंत्र से आंवले मिले हुए जल के द्वारा मानस्तोक इत्यादि मंत्र से जटामान से मिश्रित जल के द्वारा गंधम द्वारम इत्यादि मंत्र से गंध मिश्रित जल के द्वारा तथा इदमापम इत्यादि मंत्र से 81 पदों वाले वास्तुमंडल में रखे गए कलशों द्वारा भगवान को नहलावे। इस प्रकार स्नान के पश्चात भगवान को संबोधित करके कहें, भगवान समस्त लोगों पर अनुग्रह करने वाले सर्वव्यापी वासुदेव आइए आइए, इस यज्ञ भाग को ग्रहण कीजिए, आपको नमस्कार है। इस प्रकार देवेश्वर का आह्वान करके उनके हाथ में बंधा हुआ मंगलसूत्र खोल दें। उसे खोलते समय मुयंचामिवा इस मंत्र का पाठ करें। इसी मंत्र से आचार्य का भी कौतुक सूत्र खोल दें। तदनंतर हिरण्यमयेन इत्यादि मंत्र से पाद्य और अतो देवाह इत्यादि मंत्र से अर्ध दे। फिर मधुवाताह इत्यादि से मंत्र से मधुपर्क देकर मई ग्रहमी इत्यादि मंत्र से आचमन करें। तत्पश्चात विद्वान पुरुष अक्षन्नमी ददंत इत्यादि मंत्र पढ़कर भगवान के श्री अंगों पर दुर्वा एवं अक्षत बिखेरे। कांडात इत्यादि मंत्र से निर्मच्छन करें। गंधवती इत्यादि से गंध अर्पित करें। उन्नयामी
इस मंत्र से फूलमाला और इदम विष्णु इत्यादि मंत्र से पवित्र अर्पित करे। बृहस्पति इत्यादि मंत्र से एक जोड़ा वस्त्र चढ़ावे। वेदाह मतेम इत्यादि से उत्तरी अर्पित करे। महाव्रतेन इस मंत्र से फूल और औषध इन सब को चढ़ावे। तदनंतर दुरास्य इस मंत्र से धूप दे। विभ्राट सुक्त से अंजन अर्पित करे। युजयंति इत्यादि मंत्र से तिलक लगावे तथा दीर्घत्वाय इस मंत्र से फूलमाला चढ़ावे। इंद्रम क्षत्रमपि इत्यादि मंत्र से क्षत्र, विराट मंत्र से दर्पण, विकर्ण मंत्र से चमर तथा रथंतर साम मंत्र से आभूषण निवेदित करे। वायु देवता संबंधी मंत्रों द्वारा व्यंजन मुन्यामित्वा इस मंत्र से फूल तथा वेदादि युक्त पुरुष सुक्त के मंत्रों द्वारा श्रीहरि की स्तुति करे। ये सारी वस्तुएं पिंडिका आदि पर तथा शिवादि देवताओं पर इसी प्रकार चढ़ावे। भगवान को उठाते समय सौपर्ण सूक्त का पाठ करे। प्रभु उठिए ऐसा कहकर भगवान को उठावे और मंडप में शैया पर ले जाए। उस समय शकुनी सूक्त का पाठ करे। ब्रह्मरथ एवं पालकी आदि के द्वारा भगवान को शैया पर ले जाना चाहिए। अतो देवा इस सूक्त से तथा श्रेष्ठ ते लक्ष्मीश्च से प्रतिमा एवं पिंडिका को शैया पर पधरावे। तदनंतर भगवान विष्णु के लिए निष्कलीकरण की क्रिया संपादित करें। सिंह वृषभ हाथी व्यंजन कलश वैजंती पताका भेदी तथा दीपक ये 8 मंगल सूचक वस्तुएं हैं। इन सब वस्तुओं को अश्व सूतक का पाठ कराते हुए भगवान को दिखा दो। श्रीपाद त्रिपात इत्यादि मंत्र से भगवान के चरण प्रांत में उखा पात्र विशेष का ढक्कन, अंबिका कड़ाही, दर्विका करछुल, पात्र ओखली, मुसल सील, झाड़ू भोजन पात्र तथा घर के अन्य सामान रखें। उनके सिर की ओर वस्त्र और रत्न से युक्त एक कलश स्थापित करें जो खांड और खाद्य पदार्थ से भरा हुआ हो। उस घट की निद्रा संज्ञा होती है। इस प्रकार भगवान के शयन की विधि बताई गई है। अधिवास विधि का वर्णन। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं ब्राह्मण श्रीहरि का सांधिकरण अधिवासन कहलाता है। साधन साधक का यह चिंतन है कि मैं अथवा मेरा आत्मा सर्वज्ञ सर्वव्यापी पुरुषोत्तम रूप है। इस प्रकार भावना करके आत्मा की ओम इस नाम के द्वारा प्रतिपादित होने वाले परमात्मा के साथ एकता करें। तदनंतर चैतन्याभिमानिनी जीव शक्ति को पृथक करके आत्मा के साथ उसकी एकता करें। ऐसा करके स्वात्म रूप सर्वव्यापी परमेश्वर में उसे जोड़ दें। तत्पश्चात प्राणवायु द्वारा लंब बीजात्मक पृथ्वी को अग्निबीज रम के चिंतन द्वारा प्रकट हुई अग्नि में जला दें। अर्थात ये भावना करें कि पृथ्वी का अग्नि में लय हो गया, फिर वायु में अग्नि को विलीन करें और आकाश में वायु का लय कर दें। अभिभूत अभिदैव तथा आध्यात्म वैभव के साथ समस्त भूतों को तन्मात्राओं में विलीन करके विद्वान पुरुष आकाश में उन सब का क्रमशः संहार करें। इसके बाद आकाश का मन में, मन का अहंकार में, अहंकार का महतत्व में और महतत्व का अव्याकृत प्रकृति में लय करें। अव्याकृत प्रकृति अथवा माया को ज्ञान स्वरूप परमात्मा में विलीन करें। उन्हें परमात्मा को वासुदेव कहा गया है। इस शब्द स्वरूप भगवान वासुदेव ने सृष्टि की इच्छा से उस अव्याकृत माया का आश्रय ले स्पर्श संज्ञक संकर्षण को प्रकट किया। संकर्षण ने माया को शुद्ध करके तेजोरूप प्रद्युम्न की सृष्टि की। प्रद्युम्न ने रस स्वरूप अनिरुद्ध को और अनिरुद्ध ने गंध स्वरूप ब्रह्मा को जन्म दिया। ब्रह्मा ने सबसे पहले जल की सृष्टि की। उस जल में उन्होंने 5 भूतों से युक्त हिरण्यमय अंड को उत्पन्न किया। उस अंड में जीव शक्ति का संचार हुआ। ये वही जीव शक्ति है जिसका आत्मा में पहले उपसंहार बताया गया है। जीव के साथ प्राण का संयोग होने पर वो वृत्तिमान कहलाता है। व्याहृति संज्ञक जीव प्राणों में स्थित होकर आध्यात्मिक पुरुष कहा गया है। उससे प्राण युक्त बुद्धि उत्पन्न हुई जो 8 वृत्ति वाली बताई गई है। उस बुद्धि से अहंकार का और अहंकार से मन का प्रादुर्भाव हुआ। मन से संकल्पादि युक्त 5 विषय प्रकट हुए जिनके नाम इस प्रकार हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन सब ने ज्ञान शक्ति से संपन्न 5 इंद्रियों को प्रकट किया जिनके नाम हैं त्वक, श्रोत, घ्राण, नेत्र और जिह्वा। इन सब को ज्ञानेंद्रियां कहा गया है। 2 पैर गुदा, 2 हाथ वाक और उपस्थ ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन पंचभूतों के नाम सुनो: आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। ये 5 भूत हैं। इनके ही द्वारा सबका आधारभूत स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। इन तत्वों के वाचक जो उत्तम बीज मंत्र हैं उनका न्यास के लिए यहाँ वर्णन किया जाता है। मम ये बीज जीव स्वरूप अथवा जीव तत्व का वाचक है। वो संपूर्ण शरीर में व्यापक है
इस भावना के साथ उक्त बीज का संपूर्ण देह में व्यापक न्यास करना चाहिए। भम, ये प्राण तत्व का प्रतीक है, ये जीव की उपाधि में स्थित है, अतः इसका वही न्यास करना चाहिए। विद्वान पुरुष बुद्धि तत्व के बोधक बकार अथवा बम बीज का हृदय में न्यास करें। फकार पम अहंकार का स्वरूप है, अतः उसका भी हृदय में ही न्यास करें। संकल्प के कारण भूत मनस्तत्व रूप पकार पम का भी वही न्यास करें। शब्द तन्मात्रा के बोधक नकार का मस्तक में और स्पर्श रूप धकार धम का मुख प्रदेश में न्यास करें। रूप तत्व के वाचक दकार दम का नेत्र प्रांत में और रस तन्मात्रा के बोधक थकार थम का वस्ती देश मूत्राशय में न्यास करें। गंध तन्मात्रा स्वरूप तकार तम का पिंडलियों में न्यास करें। णकार ण का दोनों कानों में न्यास करके ढकार का त्वचा में न्यास करें। डकार डम का दोनों नेत्रों में, ठकार ठम का रसना में, टकार टम का नासिका में और यंकार का वाग्नेन्द्रिय में न्यास करें। विद्वान पुरुष पाणी तत्व रूप झकार झम का दोनों हाथों में न्यास करके जकार जंग का दोनों पैरों में, छम का पायू में और चम का उपस्थ में न्यास करें। डंकार डंग पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, उसका युगल चरणों में न्यास करें। दकार धम का वास्ती में और तेज तत्व रूप का हृदय में न्यास करें। थकार वायु तत्व का प्रतीक है, उसका नासिका में न्यास करें। ककार कम का आकाश तत्व रूप है, विद्वान पुरुष उसका सदा ही मस्तक में न्यास करें। हृदय कमल में सूर्य देवता संबंधी यम बीज का न्यास करके हृदय से निकली हुई जो 72,000 नाड़ियां हैं उनमें षोडश कलाओं से युक्त सकार सम का न्यास करें। उसके मध्य भाग में मंत्रज्ञ पुरुष बिंदु स्वरूप वहिर्मंडल का चिंतन करें। सूर्यश्रेष्ठ उसमें प्रसव सहित सूर्यश्रेष्ठ उसमें प्रणव सहित हकार हम का न्यास करें। ओम आम नमः परमेष्ट्याम नमः, ओम आम नमः पुरुषत्वाम नमः, ओम वाम नमः नियत्या नमः, ओम नाम नमो विश्वाश्वात्मने, ओम नमो सर्वात्मने नमः। ये पांच शक्तियां बताई गई है। स्नान कर्म में प्रथमा शक्ति की योजना करनी चाहिए, आसन कर्म में द्वितीया, शयन में तृतीया, यान कर्म में चतुर्थी और अर्चना काल में पंचमी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। ये पांच उपनिषद हैं, इनके मध्य में मंत्रमय श्री हरि का ध्यान करके शकार शम का न्यास करें। तदनंतर जिस मूर्ति की स्थापना की जाती है उसके मूल मंत्र का न्यास करना चाहिए। भगवान विष्णु की स्थापना में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मूल मंत्र है। मस्तक नासिका ललाट मुख कंठ हृदय दो भुजा दो पिंडली और दो चरणों में क्रमशः उक्त मूल मंत्र के एक एक अक्षर का न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात केशव का मस्तक में न्यास करें, नारायण का मुख में, माधव का ग्रीवा में और गोविंदा का दोनों भुजाओं में न्यास करके विष्णु का हृदय में न्यास करें। पृष्ठभाग में मधुसूदन का, जठर में वामन का और कटी में त्रिविक्रम का न्यास करके जंघा पिंडली में श्रीधर का न्यास करें। दक्षिण भाग में ऋषिकेश का, गुल्फ में पद्मनाभ का और दोनों चरणों में दामोदर का न्यास करने के पश्चात हृदयादि षडंग न्यास करें। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, ये आदि मूर्ति के लिए न्यास का साधारण क्रम बताया गया है, अथवा जिस देवता की स्थापना का आरंभ हो उसी के मूल मंत्र से मूर्ति के सजीवीकरण की क्रिया करनी चाहिए। जिस मूर्ति का जो नाम हो उसके आदि अक्षर का 12 स्वरों से भेदन करके अंगों की कल्पना करनी चाहिए। देवेश्वर हृदय आदि अंगों का तथा द्वादश अक्षर वाले मूल मंत्र का एवं तत्वों का जैसे देवता के विग्रह में न्यास करें वैसे ही अपने शरीर में भी करें। तत्पश्चात चक्राकार पद्म मंडल में भगवान विष्णु का गंध आदि से पूजन करें। पूर्ववत शरीर और वस्त्राभूषणों सहित भगवान के आसन का ध्यान करें। ऊपरी भाग में 12 औरों से युक्त सुदर्शन चक्र का चिंतन करें। वो चक्र 3 नाभि और 2 नेमियों से युक्त है, साथ ही 12 स्वरों से संपन्न है। इस प्रकार चक्र का चिंतन करने के पश्चात विद्वान पुरुष पृष्ठ देश में प्रकृति आदि का निवेश करें। फिर अरों के अग्रभाग में 12 सूर्यों का पूजन करें। तदनंतर वहां 16 कलाओं से युक्त सोम का ध्यान करें। चक्र की नाभि में 3 वसन वस्त्र या वास स्थान का चिंतन करें। तत्पश्चात श्रेष्ठ आचार्य पद्म के भीतर द्वादश दल पद्म का चिंतन करें। उस पद्म में पुरुष शक्ति का ध्यान करके उसकी पूजा करें। फिर प्रतिमा में श्रीहरि का न्यास करके गुरु वहां श्रीहरि तथा अन्य देवताओं का पूजन करें। गंध पुष्प आदि उपचारों से अंग और आवरणों सहित इष्ट देव का भलीभांति पूजन करना चाहिए। द्वादशाक्षर मंत्र के एक एक अक्षर को बीज रूप में परिवर्तित करके उनके द्वारा केशव आदि भगवत विग्रहों की क्रमशः पूजा करें। द्वादश अरों से युक्त मंडल में लोकपाल आदि की भी क्रम से अर्चना करें। तदनंतर द्विज गंध पुष्प आदि उपचारों द्वारा पुरुष सूक्त से प्रतिमा की पूजा करें और श्री सूक्त से पिंडिका की। इसके बाद
जनन आदि के क्रम से वैष्णव अग्नि को प्रकट करें। तदनंतर विष्णु देवता संबंधी मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुति देकर विद्वान पुरुष शांत जल तैयार करें और उसे प्रतिमा के मस्तक पर छिड़क कर अग्नि का प्रणयन करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि अग्निम दूतम इत्यादि मंत्र से दक्षिण कुंड में अग्नि प्रणयन करें, पूर्व कुंड में अग्निमग्निनम इत्यादि मंत्र से और उत्तर कुंड में अग्निमग्निम हविवमहि इत्यादि मंत्र से अग्नि का प्रणयन करें। अग्नि प्रणयन काल में त्वमग्गे धूमिब्दः इत्यादि मंत्र का पाठ किया जाता है। प्रत्येक कुंड में प्रणव के उच्चारण पूर्वक पलाश की 1008 समिधाओं का तथा जव आदि के अभिहोम करें। व्याहति मंत्र से धृत मिश्रित तिलों का और मूल मंत्र से घी का हवन करें। तत्पश्चात मधुत्रय घी शहद और चीनी से शांति होम करें। द्वादशाक्षर मंत्र से दोनों पैर नाभि हृदय और मस्तक का स्पर्श करें। घी दही और दूध की आहुति देकर मस्तक का स्पर्श करें। तत्पश्चात मस्तक नाभि और चरणों का स्पर्श करके क्रमशः गंगा यमुना गोदावरी और सरस्वती इन चार नदियों की स्थापना करें। विष्णु गायत्री से अग्नि को प्रज्वलित करें और गायत्री मंत्र से उस अग्नि में चरु पकावें। गायत्री से ही होम और बलि दें। तदनंतर ब्राह्मणों को भोजन करावें। मासाधिपति 12 आदित्यों की तुष्टि के लिए आचार्य को सुवर्ण और गौ की दक्षिणा दें। दिक्पालों को बलि देकर रात में जागरण करें। उस समय वेद पाठ और गीत कीर्तन आदि करता रहे। इस प्रकार अधिवासन कर्म का संपादन करने पर मनुष्य संपूर्ण फलों का भागी होता है।